तो गुजरात एटीएस ने मोटी सफलता मिली है। 175 करोड़ हेरोइन ड्रग्स मामले सफलता मिली है। नार्कोटिक्स गुना आरोपी साहिद सुमरा की धरपकड़ कराई है। दुबई थी दिल्ली एयरपोर्ट उतरता एटीएसे झड़पी पड़ो। 175 करोड़ हेरोइनो जत्थो गुजरात एटीएसे झड़पी पड़ो। अगाऊ 5 पाकिस्तानी नागरिकों झड़पाया था। मधदरिए गुजरात एटीएस और कोस्टगार्डे ऑपरेशन पार पड़ू। तो आरोपी साहिद सुमरा की धरपकड़ कर अगाउ 5 पाकिस्तानी शख्सों पर झड़पाया था। गुजरात एटीएस ने खूब मोटी सफलता मिली है। एटीएस तमज कोस्टगार्डे ऑपरेशन हाथ धरू। मधदरी और 175 करोड़ हेरोइन ड्रग्स मामले सफलता मिली है। तो हेरोइन तमज ड्रग्स है भारत की जे आवनारी पेढ़ी है युवा पेढ़ी तेने बर्बाद करवामां महत्वनी भूमिका भजवती होय छे। खास करीने जे पाड़ोशी देश पाकिस्तान छे त्यांथी पण अवार नवार तेने लावामां आवतुं होय छे। बॉर्डर पर पण अनेक वार बीएसएफ द्वारा पण तेने पकड़वामां आवे छे। अनिता पटणी जोड़ाई चुक्या छे संवाददाता। अनिता जणावशो, गुजरात एटीएस तेमज कोस्टगार्डनी टीम छे तेओने मोटी सफलता मळी छे। 175 करोड़ना ड्रग्स हेरोइन साथे आरोपीने पण झड़पवामां आव्यो छे। साहिद सुमरा मांडवी नो रहेवासी छे, दुबई में बेसीने ड्रग्स नो कारोबार चलावी रह्यो हतो। खास तो ड्रग्स माफिया जे विजय गोस्वामी छे पछी तेनो एक मुख्य रोल हतो ड्रग्स नी हेराफेरी करवामां। हाल तो आज साहिद जे छे पाकिस्तान थी ड्रग्स माफियाओ पासे थी ड्रग्स मंगावीने देशना खूणे खूणामां पहोंचाड़तो होवानुं सामे आव्युं छे। 2018 में द्वारका में 15 करोड़ हेरोइन झड़पायुं हतुं, तेमां पण जे मांडवीना जे रफीक आदम सुमरानी जे सनोड़ी खुली हती आ समग्र रेकेट में साहिद सुमरानुं पण नाम सामे बहार आव्युं हतुं। ज्यारे गुजरात एटीएस तेने वॉचमां पण हती अने आजे ज्यारे तेमने मोटी सफलता मळी छे। हाल तो आज साहिद छे ते आटला समयथी क्यां छुपायेलो हतो अने तेने गुजरात सिवाय देशना कया कया खूणानी अंदर जे ड्रग्सनी हेराफेरी करी छे ते तमाम मुद्दे हाल तेनी पूछपरछ करवामां आवी रही छे। आभार अनिता, समग्र माहिती बदल।